कल मैंने आपके साथ ये वाला डायग्राम डिस्कस किया था अच्छे से कि हमारी जावा कैसे काम करती है। ठीक, हमने कहा था जावा में हम एक सोर्स कोड बनाते हैं, पहला ही डायग्राम था हमारा ये, जो कि हमें कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर उससे बाइट कोड बनाता है, फिर हम उस बाइट कोड को एक JVM नाम के ट्रांसलेटर को देते हैं, नीड है ना वन ऑफ दीज फॉर एवरी डिफरेंट OS। ठीक, फिर वो उससे एक मशीन कोड जनरेट करता है जो पूरी तरह से OS डिपेंडेंट होता है। मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड दोनों सेम ही होते हैं और फिर वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। कल हमने ये वाली कहानी आपके साथ डिस्कस करी थी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वैसे जावा के कुछ वर्जन्स मैंने डिस्कस किए हैं हिस्ट्री, तो वैसे ज्यादा इसकी जरूरत तो है नहीं, कोई आपसे हिस्ट्री पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा पता है तो कोई बात ही नहीं। हमारा जो पहला वर्जन आया था वो आया था 1995 के अंदर जावा का, दैट वाज JDK 1.0। ठीक है, उसे हम 1.0 कहते थे। फिर उसके बाद नए नए वर्जन आते गए, उसमें टॉपिक ऐड हो रहे। मेरी PPT तो खैर बहुत पुरानी है, तो वो ही चल कर रखी है। वैसे मैं आपको सारे वर्जन कहोगे तो सारे वर्जन भी शो कर सकता हूँ। ये रहे सारे वर्जन मैंने लिखे हुए हैं, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 4, फिर 5 आया था 2004 में, 6 आया 2006 में, ठीक, और सबसे लंबा रहा 2006 में, फिर 6 से लेके 11 तक कोई वर्जन नहीं आया 5 साल में। फिर 2011 में ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया था और ओरेकल के अंडर में पहला वर्जन आया था 7 और जो आया था 2011 में। फिर 3 साल बाद आया 2014 में 8, 9 आया 2017 में, फिर 3 साल बाद, और उसके बाद हर 6 महीने में अब एक वर्जन आता है। ठीक, तो 17 मार्च को आप देख सकते हैं 2020 को, फिर 6 महीने बाद नवंबर में आया, अक्टूबर में आया था, अक्टूबर या सितंबर में 15, अब इस मार्च को 2021 मार्च को आ चुका है JDK 16। तो जो करंट वर्जन है वो है जावा 16, जो मैं आपको अभी इंस्टॉलेशन वगैरह सब इसकी बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो करंट वर्जन है वो है जावा 16, अगर हम वर्जनिंग की बात करते हैं तो। अब हर 6 महीने में आता है, मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, हर बार एक नया वर्जन देता है। ठीक, तो ये तो थोड़ी सी हमने इसकी वर्जनिंग के कहने में बारे में बात करी। अब आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको JVM की थोड़ी सी वर्किंग बताता हूँ। ठीक है, देखो इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, कंपाइल टाइम प्रोसेस, ये जावा का सोर्स कोड, ये जावा का कंपाइलर, और फिर हमने दिया इसे, इसने बना दिया बाइट कोड। अब बाइट कोड को जेम में डाल के हम OS टू OS घूमते रहते हैं और जिस OS पे चलाना होता है वहां पेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से मशीन को हमें बदलते हैं और चला देते हैं। ठीक, अब देखो लिखा भी है मैंने, बाइट कोड मूव थ्रू अ नेटवर्क और अ फाइल सिस्टम। ठीक, इंटरनेट के थ्रू भी हम एक OS से दूसरे OS पे भेज सकते हैं, किसको, अपने बाइट कोड को, या फाइल सिस्टम का मतलब है पेन ड्राइव में डाल के एक OS से दूसरे OS पे ले जाओ। अब आप जानते ही हैं इस बाइट कोड को मशीन कोड में बदलने की जिम्मेदारी होती है JVM। सबसे पहले हम JVM को स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, अब तो आपने कल प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। फिर वो रैम में जाके JVM एक एरिया रिजर्व कर देता है, जिसे हम JVM की इंस्टेंस कहते हैं, कल हमने बात की थी इस बारे में। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान से देखो, जब JVM रैम में आ जाता है, JVM जब रैम में जगह घेर लेता है या JVM की इंस्टेंस रैम में आ जाती है, तब JVM अपने अंदर चल रहे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, जिसे कहते हैं क्लास लोडर, और वो जाता है हार्ड डिस्क पे और बाइट कोड वाली फाइल को उठा के आपकी मेमोरी के अंदर लोड करता है, JVM की मेमोरी के अंदर लोड करता है। तो आपके बाइट कोड को JVM की मेमोरी में लोड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है JVM के अंदर चल रहे उसके एक सब प्रोग्राम की, जिसे हम कहते हैं क्लास लोड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास लोडर बोलते हैं।
से क्लास लोडर हार्ड डिस्क पे जाता है, बाइट कोड वाली फाइल उठाता है और JVM की मेमोरी में लोड करता है। ये क्लास लोडर तीन टाइप के होते हैं। जब आगे हम JVM की डिटेल पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ाऊंगा। एक होता है बूट स्ट्रैप लोडर, एक होता है सिस्टम लोडर और एक होता है एक्सटेंशन लोडर। ये जो बूट सिस्टम लोडर है, इसकी ड्यूटी होती है हमारे वाली बाइट कोड वाली फाइल को JVM की मेमोरी में लोड करना, बाकी अदर क्लासेस को लोड करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट जो बाइट कोड आपने बनाया है उसे मेमोरी में लोड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सिस्टम लोडर। सिस्टम लोडर हमारा इसे लोड करता है। अब एक बार अगर आपका बाइट कोड मेमोरी के अंदर आ जाता है तो क्लास लोडर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। अब JVM क्या करता है, अपने अंदर चल रहे दूसरे प्रोग्राम को रन करता है जिसे हम कहते हैं बाइट कोड वेरीफायर, जो इस बाइट कोड को वेरीफाई करता है, इसमें चेक करता है कहीं कोई इसमें अनएक्सपेक्टेड कोड तो नहीं है, ये जावा की सिक्योरिटी को वायलेट तो नहीं करता। हम बड़े चौड़े होके कहते हैं कि जावा के प्रोग्राम में कभी वायरस नहीं आता। तो कोई जावा के बाइट कोड में वायरस डाल सकता है, लेकिन वायरस जब तक OS के इंटरेक्शन में आएगा तब तक वो OS को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बाइट कोड में अगर किसी ने वायरस डाल भी दिया तो पहले वो JVM की मेमोरी में आया, अभी वो JVM के अंदर ही है, अभी OS के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे OS को तो कोई खतरा ही नहीं है। फिर बाइट कोड वेरीफायर चेक करता है इसमें कहीं कोई वायरस कोई सिक्योरिटी वॉलेट तो नहीं कर रहा, अगर उसे कोई अनएक्सपेक्टेड कोड मिलता है तो उसे फिल्टर कर देता है, इसलिए कहते हैं इसका नाम है बाइट कोड वेरीफायर। और ये जो बाइट कोड वेरीफायर है ये एक मॉडल यूज करता है बाइट कोड को वेरीफाई करने के लिए जिसे हम कहते हैं सैंड बॉक्स मॉडल, जिसे हम क्या बोलते हैं सैंड बॉक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक, तो बाइट कोड वेरीफायर की ड्यूटी होती है जो क्लास लोडर ने बाइट कोड JVM की मेमोरी के अंदर लोड किया है उसको वेरीफाई करना कि कहीं वो सिक्योरिटी को वॉलेट नहीं करता हो। अब एक बार जब बाइट कोड वेरीफाई हो जाता है अब ये रेडी है मशीन कोड में बदलने के लिए। अब बाइट कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए JVM के अंदर तीसरा प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन इंजन। भाई देखो किसी चीज को चलाने वाले को इंजन ही तो कहते हैं, इंजन तो चलाता है गाड़ी को, मगर यहाँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है इसलिए उसका नाम है एग्जीक्यूशन इंजन। और आजकल जो एग्जीक्यूशन इंजन यूज किया जाता है उसका नाम है JIC, जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहते हैं, और वो फिर इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करके चलाता चला जाता है। ठीक, तो जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है जो कि एग्जीक्यूशन इंजन का नाम है, जो कि तीसरा प्रोग्राम है JVM के अंदर का, इसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। अब ये फास्ट कैसे होता है थोड़ा सा ये भी बताता हूं, तभी इसका नाम है जस्ट इन टाइम, फटाफट फटफट सेवा फटाफट कर देता है। इससे पहले सिलिकॉन और एडेप्टिव इंजन यूज होते थे, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होती थी। अब उनकी परफॉर्मेंस स्लो क्यों होती थी ये समझाता हूं। देखो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन को कई बार कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज के अंदर आपने छोटे छोटे प्रोग्राम में आप 3-4 बार प्रिंटर फंक्शन तो कॉल किया ही है, ऐसी जावा में भी प्रिंट एलन होता है, आपको पढ़ाया भी था मैंने कल। तो मान लिया आपने जावा के प्रोग्राम में 5 टाइम्स प्रिंट एलन मेथड को कॉल किया, तो कंपाइलर क्या करेगा बेटे 5 बार ही इसका बाइट कोड बनाएगा, और जो एडेप्टिव और सिलिकॉन इंजन थे वो 5 बार ही इसका मशीन कोड बनाते थे। पहली बार बाइट कोड आया प्रिंट एलन का, मशीन कोड में बदला चला दिया, फिर दोबारा बाइट कोड आएगा फिर मशीन कोड में बदलेगा फिर चलाएगा, तीसरी बार आएगा तीसरी बार बदलेगा। मगर JIT में इन्होंने थोड़ा सा काम चेंज कर दिया, इन्होंने जस्ट इन टाइम कंपाइलर से कहा कि आप बाइट कोड को मशीन कोड में बदलने से पहले आप उसे पहले स्कैन कर लो, और स्कैनिंग में ये चेक करो कि कहीं इसके अंदर कोई बाइट कोड रिपीट तो नहीं हो रहा, जो भी रिपीट हो रहा है उसे मार्क कर दो। तो पहले JIT बाइट कोड को स्कैन करता है, जो भी बाइट कोड से रिपीट होता हुआ नजर आता है उसे मार्क कर देता है। अब जब वो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा तो कोई भी ऐसा बाइट कोड आया जिसे उसने मार्क किया था
तो वो समझ जाएगा कि ये रिपीट होगा, तो वो उसको मशीन कोड में बदल के उसकी मशीन कोड की एक कॉपी अपने कैशे मेमोरी में रख लेता है, ठीक है, और फिर उसको चला भी देता है, उसकी कॉपी अपने पास रख ली। अब जब दोबारा वही सेम बाइट कोड आता है तो वो कन्वर्जन का टाइम बचा लेता है, क्योंकि उसने उसकी कॉपी पहले ही संभाल के रखी हुई है और उसी से ही उसे चलाता चला जाता है, उसी से ही वो उसे चलाता चला जाता है, ऐसे कहानी होती है, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो ये जीआईटी है ये बहुत फास्ट काम करता है। तो हम ये कहते हैं कि जेवीएम के तीन हाथ होते हैं, हम कहते हैं हमारे दो हाथ है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, या भी मेरा लेफ्ट हैंड है या भी मेरा राइट हैंड है, ये मेरा ये काम करता है। जेवीएम के तीन मेजर पार्ट हो गए, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर एंड एग्जीक्यूशन इंजन। ये तीन मेजर पार्ट होते हैं हमारे जेवीएम के। अब अगर हम जावा के प्रोग्राम को किसी भी ओएस के ऊपर कंपाइल करके जब रन करते हैं तो वो फाइव फेसेस से होता हुआ गुजरता है और चल जाता है। तो बताता हूँ वो कौन कौन से फाइव फेसेस हैं, पहले कंपाइल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम वाला। अभी आपने बताया था जेवीएम के तीन पार्ट होते हैं, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरिफिकेशन और वेरीफायर और एग्जीक्यूशन इंजन। बेटा बन गया? नहीं सर, दूसरी दो मिनट। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर जो ये मशीन कोड बनेगा यहाँ से जेवीएम वगैरह से पास होने के बाद, क्या वो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह में जाके स्टोर? कल ही लिखवाया था आपने। हाँ जी सर, बट आपने हार्डवेयर लिखा हुआ है ना नीचे, हार्ड डिस्क लिखा हुआ था, परमानेंट डिवाइस। ओके, वहाँ पे जाके स्टोर परमानेंट स्टोर कभी होता ही नहीं, मैंने कल भी बोला भी था लाइन।
बेटा जी कल भी पढ़ाई थी कि बाइट मशीन कोड ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज नेवर स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क, इट इज क्रिएटेड ऑन द फ्लाई। यस सर। कभी भी परमानेंट सेव नहीं होता बेटे जावा के प्रोग्राम का मशीन कोड। पहली लाइन उठाई मशीन कोड में बदलाव चला दिया, दूसरी लाइन उठाई मशीन कोड में बदलाव चला दिया, कभी नहीं देख सकते हम जावा के प्रोग्राम का मशीन कोड। इसलिए कल लिखवाया भी था कि जावा का प्रोग्राम हमेशा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन ओएस टू अनदर ओएस इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड। अगर बेटे मशीन कोड सेव हो जाता तो फिर मशीन कोड लेके ना घूम लेते, कभी नहीं सेव होता हमारे से। हो गया बेटा जी, हो गया ये वाला, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे चलते हैं। देखो जावा प्रोग्राम्स नॉर्मली अंडरगो फाइव फेसेस। नंबर वन एडिट, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम एंड स्टोर ऑन अ हार्ड डिस्क। आपने प्रोग्राम लिखा बेटे, डॉट जावा फाइल बनाई, उसे हार्ड डिस्क पे रखा, फिर उसे कंपाइल किया, कंपाइलर क्रिएट बाइट कोड फ्रॉम द प्रोग्राम, वो बाइट कोड बना देगा, उसके बाद लोड आया ना क्लास लोडर स्टोर बाइट कोड्स इन अ मेमोरी, फिर आया वेरीफायर। Verifier ensures bytecode do not violate security requirements. और फिर आया execute. Interpreter translates the bytecode into a machine. इस तरीके से ये five steps होते हैं जिनके अंदर में जाता है जावा का प्रोग्राम। तो ये पांचों स्टेप भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा जी, कर दो क्लोज। यस सर। अच्छा, अब ये कुछ टूल्स लिखे हैं मैंने जावा के जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से दो तो हमने पढ़े भी थे, जावाक एंड जावा। और ये सब टूल्स हमें मिलेंगे जब हम जावा इंस्टॉल करेंगे, तो अधिकतर सब लोग क्या करते हैं यही दो टूल पढ़ाते हैं, जावाक एंड जावा। बट मैं आपको और भी बहुत सारे टूल पढ़ाऊंगा, जार टूल हो गया, जावा डॉक हो गया, जेडीबी हो गया, जे कंसोल हो गया, सीरियल वर हो गया, जे साइनर हो गया, बहुत सारे टूल हमारे पास, WS import हो गया। तो
तो मैंने ऐसे लिखा है कि ऐसा ना हो कि आप लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि जावा की दुनिया सिर्फ इन दो टूल के इर्द गिर्द चलती है, जावा है जावा नहीं। अभी हम जावा इंस्टॉल करेंगे तो हमें सारे टूल दिखाऊंगा भी कहाँ पर है और एक एक करके इन्हें आपको पढ़ाऊंगा भी। तो यहाँ सिर्फ मैंने सर्टेन टूल्स के बारे में बात की, लिखा भी है देयर आर अदर्स, और भी हमारे पास टूल होते हैं। आगे चलते हैं, इसको छोड़ो। अब अभी हम जावा को इंस्टॉल करेंगे। जब हम जावा को इंस्टॉल करेंगे तो कैसे जावा लेयर बाय लेयर हमारे ओएस पे लाइक करता है, ये मैंने उसका एक डायग्राम बनाया। सबसे नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, फिर जावा वर्चुअल मशीन, उसके तीन मेजर पार्ट, क्लास लोडर, वेरीफाई, एजुकेशन इंजन। फिर जावा नेटिव इंटरफेस बताया था, वो सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। फिर ये जावा की बनी बनाई हमें क्लासेस मिलेंगी, क्लास लाइब्रेरी, ठीक, जो हमने कल यूज भी की थी अपने प्रोग्राम में, दो सिस्टम भी यूज की थी और एक हमने स्ट्रिंग यूज की थी, और जिनको यूज करके हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जावा एक ओएस पे हमारी लाइक करती है। ठीक, ये डायग्राम बना लो जरा छोटा सा। बेटा कर दो क्लोज। यस सर। अब देखो यहां पर मैं जावा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूं, जावा के कुछ फीचर्स के बारे में बात करता हूं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसके ऊपर काफी हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आज इसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो बात करेंगे हम, ये कहते हैं कि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बिल्कुल सही। अब इधर थोड़ा सा इंट्रो देता हूं, अभी तो हम आगे ऊप्स पर शुरू करने वाले हैं कि ऊप्स होता क्या है। अगर हम ऊप्स की बात करें तो ऊप्स इज नथिंग, इट्स अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। ऊप्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है बेटे, जिसके अंदर हमें कुछ प्रोग्राम बनाने के तरीके दिए गए हैं। और अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन तरीकों को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर ले या उन तरीकों को फॉलो करे तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है।
ये किसी की जागीर नहीं है, इट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। उन्होंने थ्योरी दे दी अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, भाई आप अगर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम ऐसे ऐसे बनाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। मर्जी आपकी कि लैंग्वेज आपकी, आप उनमें उप्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो या ना करो, ये किसी को फोर्स नहीं करते। इन्होंने तो एक प्रोग्रामिंग अप्रोच दी है, यानी कि प्रोग्राम बनाने के तरीके दिए हैं। सो अगर हम उप्स के प्रोग्राम के तरीकों की बात करें तो उन्हें याद करने का मैं अक्सर एक शॉर्टकट बोलता हूं जिसे हम कहते हैं पाई, पॉलीमॉर्फिस, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। ये इसके तीन मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं उप्स। एनकैप्सुलेशन में से क्लास और ऑब्जेक्ट निकल आता है, पॉलीमॉर्फिस के अंदर से एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, इनहेरिटेंस के अंदर से आ जाता है हमारे पास एसोसिएशन, एसोसिएशन के अंदर से आ जाता है कंपोजिशन, एग्रीगेशन, और ये ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। एंड दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई संजीव कपूर साहब इतने बड़े वो शेफ हैं, उन्होंने लेटर सपोज एक चिकन बनाने की रेसिपी बुक ली थी और कहा उसमें अगर ऐसे ऐसे चिकन बनाओगे तो टेस्टी बनेगा। ठीक, उन्होंने लिख के दे दी बुक में, खाली डिस्क्रिप्शन ही तो दिया है, कहा बनाना तो आपने है ना पढ़ पढ़ के उसे, अगर आप कोई बनाओगे उसे पढ़ पढ़ के तो टेस्टी बनेगा, नहीं बनाओगे तो टेस्टी नहीं बनेगा। सिंपल, ये भी समझ लो एक रेसिपी बुक है प्रोग्राम बनाने की। उप्स क्या है? एक रेसिपी बुक ही है समझ लो प्रोग्राम बनाने की। उसमें लिख दिया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मर्जी तुम्हारी, चाहे बनाओ या ना बनाओ। तो जो पहली लैंग्वेज थी जिसने उप्स के फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया था वो थी C++, फिर जावा, पाइथन, C#, आज PHP, रूबी ऑन रेल्स, सारी लैंग्वेज ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, सबकी सब इन उप्स के फीचर को अपने अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। इसलिए तो अगर फ्रेशर पे आप इंटरव्यू दोगे तो 50-60% क्वेश्चन वो उप्स पे पूछते हैं। वो कहते हैं अगर जिसके उप्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो हम उसे किसी भी लैंग्वेज पे काम करवा सकते हैं, क्योंकि आज सारी है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बस इसके कॉन्सेप्ट को जो इम्प्लीमेंट करने का सिंटेक्स है वो बदलता जाता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। ठीक, तो हमने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया, अभी आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से कि उप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो उप्स के फीचर को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करती है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। पहली होती है सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरी होती है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आप उसे ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक, तो इन तीनों में वो डिफरेंस चाहते हैं आपसे, तीनों के अंदर तीनों के एग्जांपल भी चाहते हैं, और ये भी पूछते हैं कि जावा इन तीनों में से कहाँ लाइक करता है। क्या जावा सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या जावा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है साहब, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि पहले तो इन लैंग्वेजेस को किन बेसिस पर कैटेगराइज किया गया। देखो उप्स के फीचर हो गए, तो कोई लैंग्वेज उप्स के फीचर को 80% इम्प्लीमेंट करेगी, कोई 70% करेगी, कोई 100% करेगी, एंड अकॉर्डिंगली इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाते हैं, हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हेडिंग डालो उसके बारे में लिखवाता हूँ बेटे मैं आपको, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखो। इसमें लिखो अ लैंग्वेज, a language which does not support, a language which does not support two feature of OOPS, a language which does not support two feature of OOPS, नंबर वन इनहेरिटेंस, नंबर वन इनहेरिटेंस, नंबर टू डायनेमिक बाइंडिंग,
नंबर टू डायनेमिक बाइंडिंग ओआर और रन टाइम पॉलीमॉर्फिस एक ही बात। नंबर टू डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिस एक ही बात है, एक ही चीज है। Which does not support two feature of hoops, number one inheritance, number two dynamic binding or runtime polymorphism is known as object based programming language. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अ वेरी वेरी पॉपुलर रिनाउंड लैंग्वेज जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज व्हाट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल बेसिक, वो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो अब यूज नहीं होती। वीबी स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, ये अधिकतर जितनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सब की सब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आता है अगला, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में लिखो। Pure object oriented या truly, लिखो a language in which everything is represented, a language in which everything is represented in the form of object, a language in which everything is represented in the form of object is known as pure object oriented programming language, is known as pure object oriented programming language. ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मेमोरी में सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता हो। अब इसका मतलब समझो, देखो भाई, मेरे पास ये 10 है, एक लिटरल है, ये एक कॉन्स्टेंट है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू इस 10 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके थ्रू इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, मतलब इसमें कुछ ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, है ना, डिवाइड करूं। मेरे पास ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन जब तक ये 10, ये लिटरल, ये कांस्टेंट मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में नहीं लाऊंगा, तब तक मैं उसके साथ ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं उसके साथ कोई भी ऑपरेटर को एसोसिएट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसे मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में लाने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आपको ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं क्योंकि मैंने अभी उस पढ़ाया नहीं, समझ लो ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक डब्बा है। तो मेमोरी में डब्बा बना के ही मैं इसे उसके अंदर रख के मेमोरी में ला सकता हूं।
बिना डब्बा बनाए मैं इसे मेमोरी में नहीं ला सकता। फॉर अ सेकंड मान लो कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक डिब्बा होता है, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको। तो अगर कोई भी लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है तो उसकी मेमोरी में जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो डब्बे के अंदर ही आती है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है। बिना डब्बा बनाए, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा उसकी मेमोरी में अगर नहीं ला सकते तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, ऐसी लैंग्वेज को हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, बल्कि जावा ने अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा। जावा के अंदर आप इसे ऑब्जेक्ट बना के भी मेमोरी में ला सकते हैं और आप इसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी ला सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लासेस के, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो जावा में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, न्यू इंटीजर, और इससे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये 10 उस डब्बे में आ जाएगा। ऐसे भी जावा में ला सकता हूं और मैं इसे जावा में बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए भी मेमोरी में ला सकता हूं। लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू मैंने कहा इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा था तो 10 लिख देते हैं ऐसे। अब यहां पे मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा। अब क्योंकि जावा की मेमोरी में बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए भी चीजें मेमोरी में आ जाती हैं, इसलिए जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहलाती है। जावा ऑब्जेक्ट बेस्ड भी नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है ऊप्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने। इसलिए रियल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैनेज करने के सॉफ्टवेयर हमेशा जावा में ही बनाए जाते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, नहीं इट इज द बेस्ट लैंग्वेज। तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जो ऊप्स के सारे फीचर को स्ट्रॉन्गली इंप्लीमेंट करती है। तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड भी नहीं होती है। और जावा के अंदर ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट, कैर, लॉन्ग, इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें भी जावा में मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते। तो जावा में सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो मेमोरी में बिना किसी ऑब्जेक्ट के लाई जा सकती है, बाकी सारी चीजें भी जावा में वाया ऑब्जेक्ट ही आती हैं। और इस प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से ही जावा को हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते। ठीक, तो जावा में बिना ऑब्जेक्ट के भी ला सकते हैं और विद ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं। तो एक छोटा सा रूल लिख लो कि इन जावा एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन जावा एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। In Java, everything is represented in the form of object except the primitive data types. ठीक, rule number 2 लिख लो। Just because of primitive data types, just because of primitive data types, Java is not a Java is not a pure object-oriented programming language. ठीक, हमारे पास एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था स्मॉल टॉक। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, अब ये यूज नहीं होती, खत्म हो गई। अब
जो यूज होती है वो है पाइथन। पाइथन इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट, सबसे गंदी, सड़ेली, बदबूदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स के इंप्लीमेंटेशन, ऊप्स में लैंग्वेज पूरी तरह से फेल हो जाती है। हाँ, ये सक्सेसफुल होती है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां प्योर मैथमेटिक्स है, जहां ऊप्स का कोई लेना देना, कोई रोल नहीं होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको जावा का थोड़े से पहला फीचर बताया कि ऊप्स क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में आपको बताया। दूसरे अगर हम फीचर की बात करें तो हम कहते हैं जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट का अगर हम बात करें तो मीनिंग होता है HARD, हार्ड, TO2, ब्रेक, हार्ड टू ब्रेक, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो उसे हम रोबस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। अब जावा को हम तोड़ने को वाले नहीं है तो इसका हमें मीनिंग समझना होगा। मीनिंग क्या होता है कि जावा का प्रोग्राम रन टाइम पे इतनी आसानी से फेल नहीं होता है, दैट इज फॉर रोबस्टनेस। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम रन टाइम पे दो रीजन की वजह से फेल होता है। पहला आता है आउट ऑफ मेमोरी, मेमोरी कम पड़ गई साहब प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। जिसे जावा ने संभाला अपने खूबसूरत कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ऑटोमैटिक गार्बेज कलेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं ऑटोमैटिक गार्बेज कलेक्शन। फिर दूसरा जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम रन टाइम पे फेल होता है वो आता है रन टाइम एरर्स की वजह से फेल होता है। यूजर ने कुछ रॉन्ग डाटा डाल दिया, उटपटांग वैल्यू डाल दी, जिसकी वजह से रन टाइम एरर्स आ जाते हैं। ठीक है जनाब, और ये जो रन टाइम एरर्स हैं इसे जावा ने हैंडल किया, इसे जावा ने हैंडल किया किसकी वजह से, अपना एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देके एक्सेप्शन है, अपना एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट देके जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन है। लोग एक लाइन जानते हैं कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, सब लोग ये जानते हैं, मगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अधिकतर तो सब लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब समझते हैं कि एक लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे चल जाता है तो वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अरे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी हर ओएस पे चल जाता है, क्या सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? नहीं, सी बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं। तो पहली चीज तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की कहानी जावा को लेकर ना सुनाए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जावा की कोई जागीर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, और कोई भी लैंग्वेज अगर उसके कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर ले तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है। जैसे XML इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ना वहां कोई कंपाइलर है, ना वहां कोई बाइट कोड है, तब भी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो देखो, पहली चीज तो प्लेटफॉर्म दो चीजों से मिलकर बनता है, नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर टू हार्डवेयर। और हार्डवेयर में हम एक ही चीज कंसीडर करते हैं, वो है प्रोसेसर, क्योंकि दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को चलाता सिर्फ कौन कौन है, प्रोसेसर ही चलाता है, कोई और उसे नहीं चलाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, प्रोसेसर तो प्रोसेसर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को मिला के प्लेटफॉर्म बनता है। अब कोई भी वो लैंग्वेज जो इन दोनों के आर्किटेक्चर पे न्यूट्रल होती है, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर ना तो ओएस के हिसाब से कुछ चेंज करना पड़ता है, ना प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज करना पड़ता है। उस लैंग्वेज के लिए ना ओएस कोई मैटर करता है, ना प्रोसेसर, कोई ओएस दे दो, कोई प्रोसेसर दे दो, ये लैंग्वेज चल जाएगी, इसके कोड में आपको कोई छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं, ये दोनों के आर्किटेक्चर पे न्यूट्रल होती है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम आर्किटेक्चर न्यूट्रल कहते हैं, और जो लैंग्वेज आर्किटेक्चर न्यूट्रल होती है उसी को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप कोड लिख दो और फिर उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 64-bit हो, किसी भी प्रोसेसर पे, i7 हो, i3 हो, AMD हो, कैसा ही प्रोसेसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ये उस पर चल जाएगी।
प्रोसेसर के हिसाब से उस लैंग्वेज के कोड में कोई चेंज ना करना पड़े, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसमें कोई चेंज करना पड़े, ऐसी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। और हमारी जावा में एक बार हमने बाइट कोड बना दिया है, सोर्स कोड लिख दिया है, तो कभी भी ना हम इसमें कभी ओएस के हिसाब से कोई चेंज करते हैं और ना ही हम इसमें प्रोसेसर के हिसाब से कोई चेंज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कोड। सिक्योर मैंने आपको बताया, बाइट कोड वेरीफायर से सिक्योर कर देता है। पोर्टेबल का मतलब इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू यूज है। अभी मैं इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, देखना 300-400 MB में पूरी जावा आ जाएगी, जबकि .NET 6 GB स्पेस देता है इंस्टॉल होने को। 2 मिनट में जावा इंस्टॉल हो जाएगी, वहाँ 6 घंटे चाहिए होते, इतनी कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है। और फिर उससे बड़े बड़े प्रोग्राम, कई गुना बड़े प्रोग्राम जावा बना दो। फिर जावा की हाई परफॉर्मेंस, वो जावा की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है डायनेमिक के कारण। डायनेमिक का मतलब है, देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं हार्ड डिस्क पे, चाहे वो मशीन कोड के फॉर्म में पड़ी हो, चाहे वो पड़ी हो बाइट कोड के फॉर्म में। जावा के केस में बाइट कोड के फॉर्म में होता है, बाकी लैंग्वेज के केस में मशीन कोड में, बट चलने के लिए इन्हें रैम में जाना होता है। तो जब इंस्ट्रक्शंस हार्ड डिस्क से रैम में मेमोरी में आती हैं, तो दो तरीके से आती हैं, एक स्टैटिकली और एक डायनेमिकली, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर स्टैटिकली जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो रैम में तब तक पड़ी रहती है जब तक कि प्रोग्राम बन रहा हो, चाहे आप उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करें या याद ना करें, तो वो मेमोरी खाती रहती है, इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस डायनेमिकली रैम में लाई जाती हैं, उनका यूज होने के बाद उन्हें मेमोरी से हटा दिया जाता है, फिर जरूरत पड़ेगी फिर ले आएंगे, इससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। तो जावा अधिकतर अपने इंस्ट्रक्शंस को डायनेमिकली ही मेमोरी में लाता है, उसे चलाया जरूरत नहीं फिर उन्हें वहां से हटा दिया, इससे जावा की परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। संवाद एक क्वेश्चन है, छोड़ दो। हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडेड। जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जावा के आप एक ही प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते। अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ जावा कैन परफॉर्म सो मेनी टास्क साइमल्टेनियसली, जिसे हम कहते हैं मल्टी टास्किंग। तो जावा के इस मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट से हम जावा के प्रोग्राम में मल्टी टास्किंग कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम सबके हाथों में है, मोबाइल और मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड कह रहा हूँ व्हाट्सएप, सॉरी व्हाट्सएप एक जावा पे बनी एप्लीकेशन है, एक पूरा सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर देखो बहुत सारे छोटे प्रोग्राम एक साथ चलते रहते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ टाइप कीजिए, टाइप करते करते डिक्शनरी से वर्ड उठा लाता है, इतने में किसी का मैसेज आ जाए रिसीव कर लेता है, इतने में किसी की वॉइस कॉल आ जाए रिसीव कर लेगा, इतने में किसी की वीडियो कॉल आ जाए रिसीव कर लेगा। यानी कि देखो एक ही व्हाट्सएप प्रोग्राम है, उसके अंदर छोटे छोटे कितने सारे काम एक साथ हो रहे हैं, पैरेलल ही चल रहे हैं, और इन्हें सबको हम थ्रेड कहते हैं। मल्टीटास्किंग हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, और ये सब हम आगे बनाना सीखेंगे। फिर जावा हमारी इंटरप्रेटेड की है, आप जा रहे हैं वो कंपाइल और इंटरप्रेटेड दोनों। जावा कंपाइल और इंटरप्रेटेड, कंपाइल भी करते हैं और फिर से लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके मशीन कोड में बदल के चलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने जावा के आपके साथ कुछ फीचर डिस्कस करने की कोशिश कर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ये डायग्राम बना लो। पहले
बन गया सर, दो मिनट। यस सर। चलो देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि जावा का प्रोग्राम जो है वो बाइटकोड के फॉर्म में ट्रेवल करता है एक ओएस से दूसरे ओएस पे, ये देखो चाहे इंटरनेट से उठाता हो चाहे फाइल सिस्टम से। फिर मैंने आपको पढ़ाया क्लास लोडर इसे जेवीएम की मेमोरी में लोड करता है। ठीक, अभी जो जेवीएम की इंस्टेंस होती है, जेवीएम की मेमोरी होती है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं इसकी मेमोरी एरिया के। ठीक, जिसमें से एक है क्लास एरिया, जिसके अंदर फर्दर तीन सेक्शन है, क्लास इंफॉर्मेशन एरिया, कांस्टेंट कोड, मेथड एरिया, फिर एक हीप एरिया, एक स्टैक एरिया, एक नेटिव स्टैक एरिया। होता क्या है, जब हमारे क्लास डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड मेमोरी में लोड होगा तो हमारे बाइट कोड में भी बहुत सारी चीजें होती है, मेथड होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, लोकल वेरिएबल होंगे। तो ये क्या काम करेगा, हमारी बाइट कोड के या हमारी क्लास के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को अपने डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एरिया में लोड करता है, जिससे ये इजी टू यूज एंड इजी टू सर्व हो जाए। और जब ये ओएस के मेथड कॉल करेगा तो उन्हें भी अपनी मेमोरी में लोड करेगा, दैट इज फॉर नेटिव स्टैक मेमोरी में। देखो नेटिव इंटरफेस आ गया, ये नेटिव मेथड कॉल करेगा, ओएस के मेथड को ही हम नेटिव मेथड कहते हैं। तो ये मैंने अपने जेवीएम की जो मेमोरी होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिखाई। अब मैं रोज आपको पढ़ाऊंगा ये कौन सी चीज कहाँ जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमारे क्लास में जो मेथड्स होंगे वो सब मेथड एरिया में जाते हैं, ऑब्जेक्ट हीप में जाते हैं, लोकल वेरिएबल स्टैक में जाते हैं। तो ये हमारे JVM का ऑर्गेनाइजेशन है। क्लास लोडर बाइट कोड को मेमोरी में लोड करता है, तो वो हमारे बाइट कोड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंदर लोड करता है। जैसे मैंने कल भी कहा था, जैसे आपने घर खरीदा, घर के भी आपने सेक्शन बनाया, आपने प्लॉट लिया 200 गज का, फिर चार पिलर लगा के लेंटर डाल दिया, फिर आप उसके सेक्शन बना रहे हैं, ड्राइंग रूम अलग बना रहे हैं, बेडरूम अलग बना रहे हैं, किचन अलग बना रहे हैं, बाथरूम अलग। क्यों? क्योंकि आपके पास भी वैरायटी ऑफ लगेज है और आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसे रखना चाहते हैं, जिससे वो इजी टू सर्च और इजी टू यूज हो जाए। आपको कोई बर्तन ढूंढना है तो बाथरूम में जाके नहीं ढूंढोगे, किचन में ढूंढोगे, मिल जाए। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर भी हमारी होती है। चलो अभी मैंने आपका जावा का थोड़ा सा बेस बनाया, अब हम बात करेंगे जावा के इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कंपाइल भी करें और रन भी करें, तो उस वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमें जावा से रिलेटेड दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक को कहते हैं JDK, जावा डेवलपमेंट किट, और दूसरा होता है हमारे पास JR, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। ये दो सॉफ्टवेयर हमारे को चाहिए होते हैं। अगर आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करना चाहते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जावा डेवलपमेंट किट इसका काम होता है जावा के प्रोग्राम को लिखने से लेके कंपाइल करने तक। तो जावा के प्रोग्राम को लिखने से लेके कंपाइल करने के लिए जो जो टूल्स हमें चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, वो सब हमें JDK में मिल जाते हैं। ठीक, और अगर एक बार आपका बाइट कोड तैयार हो गया, तो दिस JDK इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अब इस बाइट कोड को चलाने के लिए आपको चाहिए JR, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसे हम JR कहते हैं।
ठीक, तो इसका काम है बाइट कोड को मशीन कोड में बदल के चलाना। और दोनों इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हैं, इनकी दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपने केवल JDK डाला है तो आप केवल बाइट कोड बना सकते हैं, रन नहीं कर सकते। अगर आपके पास JRE है तो आप केवल रन कर सकते हैं, बाइट कोड नहीं बना सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी कोई दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं। ठीक, अब इनके अलग अलग सेटअप भी आते हैं और इनका एक कंबाइंड सेटअप भी हमारे पास आता है, तो मैं इनका वो कंबाइंड सेटअप यूज करके इन्हें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैं आपको दो वर्जन इंस्टॉल करूंगा, एक JDK 8 और एक Java 16। JDK 8 इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री अभी भी JDK 8 पे काम कर रही है और JDK 8 के बाद से ही बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और फिर एक करेंट वर्जन करेंगे Java 16 पे बात करेंगे। ठीक, तो अब मैंने JDK 8 आपको इंटरनेट पे शायद नहीं मिलेगा तो वो मैं आपको दे देता हूँ। JDK 8 का मैंने ये अपनी गूगल ड्राइव पे डाल दिया है, ये हाइपरलिंक आपको दे रहा हूँ। आप अपने अपने जरा चैट ऑप्शन में जाइए, आपको एक चैट ऑप्शन दिख रहा होगा वहां पे, और वहां जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। आप जैसे ही इसको ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, ऐसी लिंक पे अभी क्लिक कर देंगे, तो आपको JDK इसमें 14 भी है और साथ साथ 8 भी है, दोनों डाउनलोड आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्राउजर में जाके, जैसे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। मैंने अपने लिंक को जो आपको दिया है उसे देखो ब्राउजर में पेस्ट मारा, एंटर मारूंगा, आ जाएगा ये रहा 8, ये रहा 14, और आप यहां से इन्हें दोनों को पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते, ये रहा डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड ऑल भी कर सकते हैं, और चाहो तो एक एक करके इस पे राइट क्लिक कर लो, इसे डाउनलोड कर लो, इस पे राइट क्लिक कर लो, इसे डाउनलोड, ठीक है, ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जहां तक जावा 16 के डाउनलोड करने की सवाल है तो वो आप जाइए गूगल खोलिए, ये तो मैंने ही दे दिया, लिख दीजिए JDK 16, अपने आप आ जाएगा डाउनलोड, पैरा ओरेकल की साइट आएगी उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे जाइए, यहाँ वर्जन है, ये रहा विंडो 64, ये रहा, और आपको ये exe डाउनलोड कर दो, ठीक है, zip फाइल ली exe, इस पे क्लिक मारो, ये सीधा डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, एक्सेप्ट करो लाइसेंस को यहाँ से और डाउनलोड करो। ठीक, ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आप इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने JDK 16 को भी और 8 को भी दोनों को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो पहले मैंने 8 को अनइंस्टॉल करूंगा फिर आपके सामने इंस्टॉल करूंगा। अब होता क्या है, जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव पे जाती है, एक प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर, ये देखो, और जावा नाम का वहां फोल्डर बनाएगी, और उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे, एक JDK नाम का और एक JRE नाम का, ये रहा JDK 8, ये रहा JRE 8, आप देख सकते हैं मैं 8 ही दिखा रहा हूँ, बाकी नहीं दिखा रहा, 8 का भरा पूरा परिवार है, JRE का भी भरा पूरा परिवार है, और अभी ये दोनों गायब हो जाएंगे क्योंकि मैं पहले इन्हें अनइंस्टॉल करूंगा फिर आपके सामने इंस्टॉल करूंगा, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल पैनल खोलना होगा, कंट्रोल पैनल में जाके मैंने पहले अनइंस्टॉल करता हूँ और फिर मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। पहले हम 8 की बात करेंगे फिर हम 16 की बात करेंगे। कंट्रोल पैनल खुल गया, या फीचर आएगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, इसमें चले जाओ और ये आपके सारे सॉफ्टवेयर की लिस्टिंग दिखा देगा, JDK 8 भी आ जाएगा हमारा, JRE 8, और दोनों देखना दोनों विंडोज के अंदर अलग अलग नजर आएंगे, और कंट्रोल पैनल में जितने सॉफ्टवेयर की एंट्री इंडिपेंडेंट होती है वो सब के सब इंडिपेंडेंट इंस्टॉल होते हैं। ये देखो ये रहा JRE, ये रहा JDK 8, तो मैं पहले JRE हटा रहा हूँ, सिलेक्ट किया अनइंस्टॉल, से यस, और ये हट जाएगा और वो फोल्डर भी गायब हो जाएगा वहां से।
गायब हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ से, अब मैं जेडी के भी हटा रहा हूँ। ठीक, जाके वहां फोल्डर में चेक कर लेते हैं जेडीके में। ये देखो प्रोग्राम फाइल्स जावा, नो जेडीके नो जारी, दोनों गायब हो गए, उड़ गए। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सेटअप में जाके, जो मैंने आपको दिया है। ये सेटअप मैंने आपको दिया है, आप भी डाउनलोड कर लेना और जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। पहले ये जेडीके इंस्टॉल करेगा, फिर ये जेआरई, और दोनों आ जाएंगे। अभी हम 8 की बात कर रहे हैं, 16 भी करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करो, दिखा रहा है बेटे कहाँ जा रहा है, जेडीके सी कॉलन प्रोग्राम। देखो जेडीके नाम पर चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है सारे सॉफ्टवेयर को हमेशा सी ड्राइव पे ही इंस्टॉल करना चाहिए। तो यहाँ डिफॉल्ट लोकेशन पे जा रहा है, जाने दो, से नेक्स्ट। तो पहले जेडीके बन जाएगा, फिर जेआर जाएगा। जेआरई की बात करेगा, जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, प्रोग्राम फाइल जेआरई, से नेक्स्ट। और ये दोनों फोल्डर हमारे वापस आ जाए। Thank you.
चलते हैं अपने वापस वहीं पर, आप चेक कर सकते हैं, ये देखो जेडीके भी वापस आ गया बेटा, जेआरई भी आ गया। पहले चलते हैं जेडीके ए, इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा बिल, और जितने भी टूल्स मैं आपको अभी दिखा रहा था वो सबके सब टूल यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हो ये रहा जावा टूल, ये रहा जावा टूल, ये रहा जावा डॉक टूल, जावा पी टूल, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1 by 1। तो जितने भी हमारे जावा के टूल्स होते हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक, क्योंकि हम यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बिन फोल्डर के अंदर जेडीके के अंदर मिलते हैं। अब जावा ने क्या किया, जैसा भी आपसे कहा मेरे को जावा में बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस मिलती है, जैसे सी के अंदर आपको बने बनाए फंक्शन मिलते हैं रेडीमेड जिनको यूज करके आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ही जावा के अंदर हमें बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस मिलती है। क्लास क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा, घबराना मत, ठीक है। तो मोर देन 5000 क्लासेस जावा ने हमें दी जिन्हें यूज करके हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। अब जावा ने क्या किया, उन सब क्लासेस का बाइट कोड हमें दिया, ठीक, और वो बाइट कोड यही कहीं इसी जेडीके के अंदर पड़ा है। अगर मैं आप में से किसी से क्वेश्चन पूछूं कि सी की हेडर फाइल का नाम बताओ तो आप सारे बताओगे stdio.h मेन हेडर फाइल, लेकिन आज तक तुम में से किसी ने ये हेडर फाइल ना तो देखी होगी कहां पड़ी है, ना कभी खोल के देखा होगा कि इसके अंदर फंक्शन कहां पड़े हैं, क्योंकि ये टीचर आपको पढ़ाता है, इसलिए आपकी गलती नहीं, लेकिन टीचर पढ़ाता तो आपको जरूर पता होगा। बस आपने सी का प्रोग्राम लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h और शुरू हो गए, कोई मतलब नहीं ये फाइल कहां पड़ी है, इसमें फंक्शन है या नहीं, ये हमारे प्रोग्राम से कैसे लिंक होती है, नोबडी रटा दे रखा तोते की तरह। लेकिन हम जावा में ऐसा नहीं करेंगे, हम जावा के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट जो क्लासेस हैं अभी आपको पढ़ाएंगे सारी एक एक करके, और मैं वो सारी क्लासेस पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इस जेडीके में वो कहाँ पड़ी हैं और वो कैसे हमारे प्रोग्राम से लिंक होती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है साहब। तो जावा ने क्या किया, उन क्लासेस का बाइट कोड दिया है, बाइट कोड पढ़ा होता है डॉट क्लास फाइल में, तो उन 5000 क्लासेस का बाइट कोड उसने हमें यहाँ दे रखा है, ठीक। लेकिन अगर जावा उस 5000 डॉट क्लास फाइल एज इट इज हमें देता जेडीके में, तो यार इसका साइज ना बहुत हैवी हो जाता, इसलिए जावा ने एक काम किया, उन सारी की सारी क्लास डॉट क्लास फाइल को कंप्रेस करके एक फाइल में डाल दिया और वो फाइल हमें जेडीके में इंस्टॉल करके दे दी। और जब भी हम जावा की कोई क्लास यूज करते हैं तो वो उसी फाइल से हमारे प्रोग्राम में लिंक होती है, तो वो मैं कंप्रेस फाइल आपको दिखाता हूँ कहाँ पड़ी है और उसे डीकंप्रेस करके भी दिखाता हूँ, ठीक। अब जावा ने अगर उसे कंप्रेस किया है तो कोई ना कोई कंप्रेशन टूल जरूर यूज किया होगा, बिल्कुल उसे डीकंप्रेस करने का जावा ने टूल यूज किया होगा, ठीक है, कंप्रेस करने का टूल, और वो टूल हमें दिया है जावा ने अपना खुद का बनाया। वैसे तो विनजिप विनगार मार्केट में भी आते हैं, बट जावा हैज क्रिएटेड इट्स ओन टूल, उसने अपनी सारी क्लासेस के बाइट कोड को कंप्रेस करके एक फाइल में डाला और कंप्रेस करने के लिए टूल बना के दिया, जो ये रहा जार टूल, आप देख रहे हैं जेडीके के बिन में, इसी जार टूल से उसने उन सबको कंप्रेस करके रखा है। और क्योंकि जार टूल से कंप्रेस किया तो जिस फाइल में जाके ये कंप्रेस मोड में जाती है सारी डॉट क्लास फाइल, उसका एक्सटेंशन भी डॉट जार ही होता है, ठीक। अब दिखाता हूं वो कहां पड़ी है, जेडीके को खोलोगे 8 के उसके लिप फोल्डर के अंदर, जेआरई के अंदर, सॉरी जेडीके के अंदर जेआरई। अब क्या होता था, जावा 8 तक एक जेआरई बाहर आता था, एक उसकी कॉपी जेडीके के अंदर भी होती थी, दोनों सेम है, डिट्टो सेम है, देखो ये वही जेआरई है और यही हमारा बाहर भी पड़ा हुआ है, सेम जेआरई है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। जेडीके 8 तक उसकी एक कॉपी अंदर भी आती थी और एक कॉपी बाहर भी आती। अब जेडीके 9 से इंटरनल जेआरई हटा दिया गया, सिर्फ एक्सटर्नल जेआरई रह गया। ये बाहर वाली इसलिए देते थे कल को आपने जेडीके इंस्टॉल कर दिया तो एक्सटर्नल जेआरई तो यूज कर सको, लेकिन अब सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल हटा दिया गया, जेडीके को लाइटवेट बना दिया गया। इस जेआरई के अंदर जाओ, चाहे बाहर वाले जेआरई के अंदर चले जाओ बेटे, चाहे इंटरनल जेआरई के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेआरई ओपन करा, इसके अंदर लिब में जाओ और लिब के अंदर आपको एक फाइल मिलती है, नीचे जाके देखोगे rt.jar, ये वो चमत्कारी फाइल है जिसके अंदर जावा की सारी क्लासेस का बाइट कोड पड़ा हुआ है, उनकी डॉट क्लास फाइल पड़ी हुई है। तो अब हम इसको डीकंप्रेस करेंगे,
यानी कि अनजार करेंगे इसी चार्ट रूम को यूज करते हुए, और आपको उन सारी क्लासेस के दर्शन कराएंगे अच्छे से। ठीक है जनाब, आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? तो पहले हम ये क्लासेस आपको दिखा, अभी मैं 8 की ही सारी बातें कर रहा हूँ, अभी मैंने 16 से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है, क्योंकि अभी आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो 8 पे ही काम करेंगे, तो 8 के तो सारे फीचर पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, प्लस ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है जनाब, आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो ये rt.jar को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, किसी अदर फोल्डर में जाके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं किसी अदर ड्राइव पे, और वहां जाके इसे डीकंप्रेस करने की हम कमांड चलाएंगे। मान लिया ई ड्राइव पे आ जाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, मैंने दे दिया rt11, ऐसी किसी नाम से बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अंदर जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये है, आ गए। अब हम इसे डीकंप्रेस करने की कमांड चलाएंगे, इसे डीकंप्रेस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो फिर बाकी कहानी मैं कल कराता हूँ आपको, यहाँ से आगे की कहानी आराम से। ठीक है, कल फिर 12 बजे मिलेंगे, इसे डीकंप्रेस करेंगे, 16 इंस्टॉल करेंगे, पाथ सेट करेंगे, ये सारी चीजें। फिलहाल आपसे फिर मिलते हैं 2 बजे आगे की कहानी के साथ। ठीक, चलिए तो कल मिलते हैं फिर आपसे 12 बजे।